ये मेरी क्लच से जो केबल है ये टूट चुकी है। धूप हल्की सी निकल रही है, वो आपको देख दिख रही होगी, हल्की सी धूप निकल रही है वो देखिए। फिर भी हमने रेनकोट वगैरह आपको 10 बजे की हमारी बस है और 9:30 हो चुके हैं और अभी हमें आधा घंटा लगेगा बस तक जाने के लिए। अगर आपको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, माई बटन में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें सारी डिटेल है हम कहाँ जा रहे हैं। लाहौर से मनसहरा तक बाय बस जा रहे हैं, यू टर्न की बड़ी बसें हैं जिसके नीचे बाइक भी रखी जाती है। पानी पानी हुआ पड़ा है तो फाइनली भेजा ना बस में, तो बैठ गए इल्ला करके, एग्जैक्ट टाइम पे आए थे। बस अब सफ़र स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। 10 बजे का टाइम था, अभी टाइम हो चुका है 10:24, पूरे 10 बज तकरीबन 10:05 पहुँचे थे, ये हमारा ही वेट कर रहे थे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनसहरा। तो भाई जना मनसहरा पहुँच चुके हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम याद करते 3 घंटे लेट हो गए हैं। बस वो बस में थोड़ा सा मसला जिसकी वजह लेट हो गए। अभी हम बस नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं यहाँ से। ये रही हमारी बाइक्स, ये 2-5 बाइक्स हैं टोटल हमारी, ये 1, 2 और 3, ये 3 सुजुकी हैं, 1 और 2, 2 125, ये 5 बाइक्स हैं। और ये होटल है कोयटा पे शान होटल कैफ़े, मतलब अड्डे के अंदर ही है जहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। ये सारे बैठे हुए हैं और ये नाश्ता आ गया हमारा। अच्छे से बेहतरीन तरीके से अब हम यहाँ से निकले के रेडी हैं। अब सामान वगैरह आप देख सकते हैं हमने बांध लिया अपने, ये देख लीजिए सामान वगैरह हमने सारा बांध लिया। ये लड़के सारे रेडी हो रहे हैं, शुएब भाई मुकम्मल तौर पर रेडी हैं, मास्क वगैरह पहन के बस हमारा वेट कर रहे हैं। बाकी आपको मिलते हैं रोड पे। लो भाईजान, वी आर रेडी टू गो। बिस्मिल्लाह इन्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा जी, आपका सीन है कि हम टोटल 9 लोग थे, 4 पे डबल और 1 पे सिंगल, और हम मेरे हिस्से में सोलो है। और मैं क्योंकि अपन ज़रा प्रो राइडर हैं, एक्सपीरियंस राइडर है ना, इसलिए हमें सोलो दिया गया। तो अभी सबसे पहला काम हमारा होगा रिफ्यूल करवाना, तो पेट्रोल पंप देखते हैं कोई आता है तो करवाते हैं। बस बहुत है, बहुत है, हाँ कर दो। वो बाहर गिरेगा ना, नहीं तो नहीं गिरेगा, फिर तो नंबर से पूरे ये बाहर गिरेगा। अच्छा जी, रिफ्यूलिंग हो गई है भजाना वाड़ी, तो अब हम बस यहाँ से निकलेंगे। ये जो लाइन है टायर, इनमें एक जगह पे बैलेंस ही नहीं, स्टेबल ही नहीं हो पाता, इस तरह करता टायर, तो जिसकी वजह से ना टायर बबल काफ़ी करते और गाड़ी स्टेबल नहीं होती। भैया एक छोटा सा स्टोव लिया गया ग्लव्स डालने के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मेरे हाथों को मतलब ख़राब करेगी, इसलिए ग्लव्स डालने के लिए रुके थे। और ये छोटी सी आबशार है बालाकोट जाते हैं, बालाकोट के रास्ते में जाते हुए, अच्छी चीज़ है। चलो ये दोबारा शुरू करते हैं, वो सब निकल चुके हैं। उस बिल्ला में सुल्तान आवाज में सुल्ला है खुद अल्लाह खुद। फाइनली भाईजान हम यहाँ से बालाकोट सिटी में एंटर हो चुके हैं, ये यहाँ से प्रॉपर बालाकोट सिटी एंटर। वेलकम टू बालाकोट, देख सकते हैं ये वाला मजार सारा खिला हुआ है बालाकोट का, टोटल पार्क का। ये रहा जी ब्रिज, और पानी कितना गंदा आप देख ही सकते हैं, आपको इसी से मालूम हो जाएगा कि ऊपर क्या हालात होंगे बारिश के। ये पानी तभी गंदा आता है इतना
जब ऊपर तूफानी बाढ़ के लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रही हो। बाकी ऊपर जाकर देखते हैं क्या हालात है। बालाकोट में रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं है। हम आगे जाकर कहीं पर स्टे करेंगे, मे बी कवाई। तो भाई ना सीन ये है कि ट्रिप का पहला आसोर हो चुका है। ये मेरी क्लच जो केबल है वे टूट चुकी है। बाकी देखते हैं कोई मकैनिक आता, भी चल रही है स्कूल से, अगर कोई मकैनिक आता है तो उससे सही करवा लेते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें होती रहती हैं। 20 किलोमीटर हो गया मुझे अभी ना क्लच के बाइक चला रहा हूँ। 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो चुका होगा। मुझे किसने कहा था कबाई में मिलेगा आपको मकैनिक, कबाई तो ये आ गया। आप देखते हैं कहाँ पर मिलता है मकैनिक। पूछते हैं यहाँ पे इनसे कहाँ तो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मोटर बाइक का मकैनिक कहाँ पे होगा यहाँ पे? हाँ अच्छा जी, हाँ वो रहा भाई शुग्रा होंडा वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ये क्लच की तार वही केबल केबल कर दें, केबल डाल दें। तो भाई जान हमने कवाई से आके अपनी क्लच केबल डलवाई है और ये पीछे मेरे नेचुरल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये नेचुरल वाटरफॉल है, ये हिस्सा ये देख लीजिए, ये सारा नेचुरल है। यहाँ पे इन्होंने चले अच्छी बात है, उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह चार पहिया वगैरह लगा दी हैं, लेकिन ये करते क्या है, ये किसी को बैठने नहीं देते ना। ये बदतमीज लोग हैं यहाँ पे, हमने 2-3 मरतबा बैठना चाहा लेकिन बदतमीजी का अपना ही लेवल है, हेड लेवल है। लिहाजा हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे कहीं जाकर स्टे करेंगे। जाना तो अभी तक धूप ही पीछे तकरीबन 5 किलोमीटर आ गए हैं और बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज वाली बारिश हो गई है। मुझे लगता है रेनकोट निकाल लिया है, और रेनकोट मेरे आ गए बाइक में है तो मुझे जल्द से जल्द आप तक पहुँचना पड़ेगा। ये सब लोग रुके हैं, अब हम इस तरह करते हैं, हम पहले वो कर लेते हैं रेनकोट डाल लेते हैं। स्टोरी भाईजान अब की कुछ यूँ है कि हम कवाई से अभी निकले ही थे, जब 15-20 किलोमीटर गुजरे हैं, अभी अच्छी बड़ी धूप थी, अचानक बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई, सब लोग बरसातियाँ डाल रहे हैं। आपके सामने हैं ये देखें, ये बरसातियाँ पूरी हो गई हैं, वो डाल रहे हैं। मैंने अपने GoPro को भी वाटर प्रूफ कर लिया है, जुगाड़ तो लगाया, ये आप देखें ये वाटर प्रूफ किया मैंने, ऊपर साथ चारों तरफ टेप लगा दिया, होप ये काम करेगा। और सीन है इस तरह के कुछ नरान के, ये दरिया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत सा हमारे, ये ऊपर बारिश हो रही है। कैमरा मेरा मुझे लग रहा है कि वाटर प्रूफ है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब ने बरसातियाँ डालनी है, ये सब जादू बने हुए हैं, सब जादू बने हैं जादू। और ये सीन है जी, ऊपर हालात और भी टाइट होंगे। और अभी मैं मोबाइल जल्दी से पॉकेट में डाल लूँ कहीं किसी ना काम लगे। ये भाई जान अभी बैगों को वाटर प्रूफ करने की प्रक्रिया करने लगे हैं, चले आओ यार। लो जी हमने सब कुछ कवर किया और धूप अपनी जोर पे आ गया, बारिश भी रुक गई है, यह मजाक हुआ हमारे साथ। बाकी चले जो भी है, जो होता है बेहतर तर होता है। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, चलो यार अब पा के रखो यार, कोई मसला ही नहीं, पा के रखने हैं। और सीन आपके सामने है, मज़ेदार इंजॉयमेंट। ग्लव्स डाल लें, बस अब निकल रहे हैं हम। फिर से सफर कर रवाना,
अभी बरसाती डालनी है सब कुछ, मतलब वाटर प्रूफ किया है, उन पर कवर वगैरह शोपर वगैरह डालने हैं, क्योंकि वाटर प्रूफ है, पानी वगैरह अंदर चल जाए कपड़ों में बैगों के ऊपर। तो अभी करना ही था कि बारिश एकदम से रुक गई है और धूप हल्की सी निकल रही है, वो आपको देख दिख रही होगी, हल्की सी धूप निकल रही है। वो देखें बारिश अभी भी ना हल्की हल्की कमियां डल रही हैं, छोटे छोटे कतरे गिर रहे हैं मुंह पर, लेकिन फील नहीं हो रहे, धूप हो रही है और धूप के साथ बारिश हो रही है। ये मैंने सुना है धूप में अगर बारिश हो रही हो इसमें जो दबा, ये लोग फोटोग्राफी करते हुए, ओ जनाब ये ब्रिज है लोहे का जो कि हमें क्रॉस करना है, फिर उस तरफ से फिर हमें ब्रिज ये क्रॉस करना पड़ेगा वापस उसी रोड पर जाने के लिए। वो रोड मेरा ख्याल अभी टूटा है, वो लैंडस्लाइडिंग वाला रोड है, इसलिए वो बंद कर देते हैं, मतलब बंद ही रहता है, कर नहीं देते वो बंद। ये रोड फिर हम ये वाला ब्रिज, यार ये वाला ब्रिज हम दोबारा से क्रॉस करके, ये वाला ब्रिज हम दोबारा से क्रॉस करेंगे और उसी रोड पर वापस, ये फिर से वो आगे वो रोड है, मतलब आपको दिखाता हूँ अभी, जो मतलब मेरा ख्याल टूट जाता है बार बार, पुराना रोड उसे कहते हैं, ये वाला रोड, ये रोड वापस सेम वही रोड है, लेकिन उन्होंने ये क्रॉसिंग बनाई है किसी वजह से ही बनाई होगी। नरान अभी भी 49 किलोमीटर, कगान 26 किलोमीटर, हमें 49 किलोमीटर कवर करने में अभी भी 1 घंटा तकरीबन लगेगा, पर टाइम मेरा ख्याल है डेढ़ हो गया। मौसम कमाल हो गया भाई, सर्दी नहीं लग रही, मौसम बहुत प्लेजेंट लग रहा है, फिर बहुत ही बेहतरीन है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है राइडिंग करने में, और ऊपर से सोलो राइडिंग करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये एक चीज़ दिल की बात। अभी का सीन है भजन 3 बज चुके हैं दोपहर के, और हम तकरीबन नरान से 30 किलोमीटर पहले हैं, और हम आज सुबह से तकरीबन 10 बजे चले थे मनसेरा से, और तकरीबन 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम। बाकी अभी का सीन है ये, हम बैठे हैं सारे ये फाक साहब, साजिद साहब, विकास भाई, हुरैरा, उमान, ये क्या क्रिएटर वीडियोस वाले, ये बिरयानी खा रहे हैं नजीम भाई, ये शुएब, ये अहमद है, और ये पकौड़े हैं, बिरयानी 100 रुपये की प्लेट बिरयानी की और 100 की पकौड़ों की है, दोनों चीज़ें खाने के लिए मज़ेदार हैं। और ये छोटा डब्बा है जहाँ पे ये बननी है, ये यहाँ पे, और मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, पानी बहुत ही ठंडा है, सीन है भाई, चेक कीजिए, अभी हम खाना खा के वहीं बैठे हैं, ये देखिए अभी हम खाना खा के यहीं बैठे हैं, ये अजीम भाई अभी भी खा रहे, बिरयानी बहुत ही मज़े की है इनकी, और सामने के सीन ये हैं जहाँ पे हमने बैठ कर खाया है, इधर इधर आओ, इधर भी वो बैठा है, उधर तो कैमरा शायद है, अच्छा चलो, कुछ भी नहीं होता, बोलते जाना, कुछ भी नहीं होता, मेरी आएगी, तुम सिर्फ बोलते जाना, इधर जाओ जाओ, ये सब अभी चाय पी रहे हैं, और पीछे के सीन आप देख सकते हैं मेरे कमाल के हैं, नहीं यूसुफ, अच्छा सहेल साहब, मेरे पीछे का सीन आप देख सकते हैं, यही हमारा ज़िंदगी का, बाकी हम चाय पी लें फिर निकल लें, क्योंकि अभी 30 किलोमीटर भी और करना हमने, अल्लाह हाफिज़।